you. I miss you. Good. Nikhil? What? Like ta-ta-ta-ta-ta. You'll miss me like ta-ta-ta-ta-ta? Yes. I will miss you aise like ta 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 ta. बताओ ना बेबी। Hi guys, welcome back to my channel. और अब मैं जा रहा हूँ श्रीलंका, वो भी विदाउट पलक। So ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, इसलिए बोल रही हूँ मिस मी। And अभी तो टाइम है, तो मैं तुम्हें दिखाता रहूँगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। This is my first trip इंडिया के बाहर, वो भी ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, बड़ा पास में ही जा रहा हूँ। हम दोनों ने सोचा था हम साथ में जाएंगे जब भी जाएंगे, पर अब नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो मैं जा रहा हूँ। एंड मैं खुश ओवर में शो करूंगी, मैं आया ऐसा कुछ नहीं है, इसका पता नहीं चलता कभी। ठीक है, तो फिर बोलो मैं भी जा रही हूँ फिर बहुत टाइम बाद अपना सोलो ट्रिप पे। कहाँ जा रही हो? देख रहे हो, मैं जाऊंगा तो जाएगी ऐसा, क्योंकि मैं 2 साल से अपना सोलो ट्रिप नहीं मारा जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो। क्यूट रही, जाओ एंजॉय करो, मैं भी करूँगा। चलो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा फ्लाइट से आगे का सब कुछ। तुम मुझे मिस करोगे? वो नहीं पता मेरे को, परसेंटेज में मिसिंग थोड़ी आती है, इससे थोड़ी है कि इतना निकले यार। नहीं तो ठीक हो तुम यार, कैसे हैप्पी 32nd Happy birthday to you. Very nice, very nice. Happy birthday to you. All of you. Boys, boys, boys. Happy birthday. ये बेचारे बोलेगा मुझे तो 31 भी नहीं हुए। Why? क्यों सेम एज है दोनों? पहले तो एक दिन बाद ही है ना 31। पूरा मुगल. श्रीलंका की पैकिंग हो गई है, वो देखो कल की तैयारी कर रही है, तो अभी मैं बताता हूँ क्यों। तो अभी बज रहे हैं 4 और आज डेट क्या है, 1 अप्रैल हो गई है, ठीक है। और ये कोई अप्रैल फूल वाला प्रैंक है नहीं, तो मेरे दोस्त का बर्थडे था और हम लोग अभी 1 घंटे पहले वापस आए हैं और हमें कल करजत जाना है पार्टी करने, इगतपुरी जाना है, करजत नहीं। हाँ ठीक है, तो ये पैकिंग हो गई सारी, हम रेडी हैं। तो मैं श्रीलंका की पैकिंग यहीं से करके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सुबह 9:30 बजे श्रीलंका निकलना है, मेरी फ्लाइट है। अब मैं इसी चीज के लिए वरीड हूँ कि मैं वापस पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, बट होपफुली पहुंच जाएंगे। एंड अब हमें सुबह 10 बजे निकलना, तो आगे का आपको सब दिखाएंगे, व्लॉग बनाएंगे बढ़िया सा मस्त। हाय गाइस, सो ऑनेस्टली मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, बट आगे का आपको सब दिखाएंगे, व्लॉग बनाएंगे बढ़िया सा मस्त। ये क्या बात करता है यार, cuz इतना थका हुआ था मैं, 2 दिन से सोया नहीं और बहुत ही ज्यादा ये सब दोगलापन। हे चैनल, वेलकम टू माय गाइस। सो गाइस, हम हैं श्रीलंका में, जैसा कि आपको बताया गया था, बहुत कुछ छूट गया बिकॉज ऑफ वेरी हेक्टिक स्केड्यूल एंड बहुत टायर्ड था मैं, बहुत एग्जॉस्टेड था, 2 दिन से सोया नहीं था। अब फाइनली मेरी नींद पूरी हुई है, आज हम जा रहे हैं शूट पे, जो है स्पाइकर का एंड एक है स्काउट का। सो स्टे ट्यून्ड और मैं जहाँ भी जाऊँगा तो मैं दिखाता रहूँगा। व्हाट इज़ द अंकित? शूट करने जा रहे हैं, हम रूम में जाके पता चलेगा शूट कर रहे हैं सो रहे हैं, मोस्टली हम शूट ही करेंगे। सो गाइस, दिस इज़ अंकित, हम लोग यहीं पे मिले और इसका पेज है इंस्टाग्राम पे, द वॉक वैनिटी, द वॉक वैनिटी, जाके फॉलो करो। एंड हम लोग अभी आए रूम में, फिर हम लोग जा रहे हैं गेल अरे कहना क्या चाहते हो, गोल पर कोई तो जगह है, तो हम वहां जा रहे हैं एंड देन फिर वहां पे हम तुम दिखाएंगे कैसे शूट करते हैं। सी यू, बाय। सो अब हम जा रहे हैं शूट करने एंड देन उसके बाद हमारे और भी 1-2 शूट्स है लाइन अप, फिर हम करेंगे थोड़ा चिल पूल में और बीच पे। सो
सो गाइस क्या व्हाट इज दिस कॉल्ड दिस नो नो नॉट द कैफे द एरिया गोल गोल फोर्ट तो हम आ गए हैं गोल फोर्ट एंड दिस इज सनम नमस्ते और कैसा लग रहा है आपको तुम्हारा माझा डांस आवडला तर कृपया मला वोट कर तो वोट मांग रहे हैं वोट मांग रहे हैं दिस इज शार्दुल आर डी ओ पी आर फोटोग्राफर चीफ फोटोग्राफर एंड बहुत सही काम करता है बहुत सही काम करता है तो देखेंगे ये एरिया है ये पब्लिक है देखो यहाँ पे क्या करना है बैक के लिए फोटोशूट चल रहा है फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे वो देखो गाइस एक फोटोशूट वहाँ चल रहा है एक यहाँ चल रहा है कभी मैं कैमरा मैन हूँ कभी सर हम कैमरा मैन फिर कम एज यू आर वी आर ओपन एज यू आर मतलब कैसे भी आ जाओ भूखे लगे वी विल टेक केयर ऑफ यू यस तो हम जा रहे हैं वापस क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी थी और बहुत गर्मी है वही बहुत गर्मी थी हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमने फटाफट तो ये होती मेहनत जो कंटेंट क्रिएशन के पीछे जाती है ये सवाल मैंने इससे कल भी पूछा था कि आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं सो गाइस कैसा रहा फिर शूट आ गए मजे लाइफ के गर्मी में इतनी गर्मी में कहाँ है हमारा वॉक वैनिटी क्या मजा आया तेरे को गर्मी में अरे माँ जी मरी कैमरा ऑन होती थोड़ी शराफत है ना आनी नहीं चाहिए पर वही खराब है लोगों को रियलिटी पसंद है रियलिटी वाले ही चलते हैं हम जिस गाड़ी में थे उसका जो ड्राइवर था माय फ्रेंड बोल के हमारी एस्पेसी कर दी इतनी गंदी गाड़ी चलाई कि हम बस बच ही हैं मुरे मुरे और अब हम कोकोनट वाटर पी रहे हैं तो हम वो वाला शॉट लेंगे एंड आई जस्ट होप कि सब अच्छे से हो जाए शूट अच्छा निकल गया है सो गाइस हम पूरे भीग गए हैं ये देखो पैरों की हालत ये भाई ने अभी टी शर्ट पहनी नहीं तो मैं बॉडी दिखा देता इतनी सही और ये है यहाँ पे हमारा शूट हुआ है अभी डीओ का स्पाइक करके काश मैं वो सब डाल पाता बट ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस आई कैन नॉट तो फिर जब ऐड आएगी तो मैं सीधी ऐड ही डाल दूंगा अपने यूट्यूब पर फिर देखते रहना मजे करना हाय गाइस सो अब आ गए हम अपने रूम में हमारा शूट हो गया और काफ़ी अच्छा हुआ ठीक है अब हम जा रहे हैं स्विमिंग करने थोड़ी देर बिकॉज हमारा 8 और 8:30 डिनर है यहाँ पे स्पेशली हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ तो वहाँ जाके मैं उसकी भी वीडियोज़ बनाऊँगा पर अभी हमारे पास 1 घंटा है तो हमने सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लें हम सुबह से शूट कर रहे थे तो अब हम जा रहे हैं स्विमिंग करने एंड देन डिनर तो स्विमिंग के लिए तो भाई ने पहन लिया है और यहाँ का पंखा बड़ा फैंसी है यार ये पर ये सब तेज चलता नहीं है तो क्या फैंसी ये लाइट अप हो रहा है और यहाँ पे हमारा डिनर आज का एंड दिस इज आवर होटल रेड्स इन ब्लू फीलिंग सो हम भी रेडी हो गए हैं ये बना हुआ हमने अभी पब्लिक आ रही है धीरे धीरे थोड़ा सबका ऊपर नीचे चल रहा मामला बट अभी 2 दिन हो गए एंड ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड ट्रिप आई हैड फन लाइक वी वांटेड टू डू व्हाट वी वांटेड टू डू एंड वी डिड सो या जब एक बार सब आ जाएंगे तो मैं एक बार सबकी वीडियो बनाऊंगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कौन कौन है
हो गई एंड दिस इज डे 3 और आज हम जाने वाले यॉट पे एंड कैसीनो। कल रात को डिनर ख़त्म हुआ बहुत लेट, मतलब डिनर तो हो गया उसके बाद हम लोग थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे और वो थोड़ा इन्जॉय खिंच गया 5 बजे तक। फिर 5 बजे जब हम सब सोए और अभी हमें उठना था तो बस 11 बजे से उठे हैं। सो अभी जब जाएंगे तो फिर देखते क्या होता है। सो गाइस हम निकल गए, अब हम जा रहे हैं वापस कोलंबो। हम कोलंबो से 2 घंटे दौड़ते हैं ये सारी सब थके हैं, सबकी हालत खराब है और हमें निकलना था सुबह 10 बजे बट अभी बज रहे हैं 2:30। सो अब कोलंबो जाके हम जाएंगे यॉट पे और फिर वहाँ करेंगे शूट वापस। अब हम यॉट पे जाएंगे फिर वहाँ पे हमें शूट करना है और भी थोड़ा काम है, फिर हम रात को कैसीनो भी जाएंगे तो वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हम लोग कर रहे हैं बहुत कुछ बट ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ओहो अलग अलग अलग, और जो शूट कर रहे हैं वो मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑब्वियसली ब्रांड का कॉन्टेंट है तो वो फिर थोड़ा कॉपीराइट का बंगा रहता है और आधे से ज़्यादा टाइम हम थके होते हैं तो हम सो रहे होते हैं तो क्या करें आदमी। अभी भी हम लोग जहाँ पे थे वहाँ से कोलंबो आए हैं तो अब मैं 2 घंटे सोता हुआ आया हूँ पूरे रास्ते। क्या कह रहे हैं अभी पलक के भी 3-4 फोन आए थे, बात नहीं हुई अब करूँगा। चलो आई शो यू यॉट पे जब जाएंगे वहाँ की वीडियो दिखाऊंगा डाल के। ये रेल की पटरी पे शूट हो रहा है हमारा, अभी एक ट्रेन गई है। That's it. This is how much dedication this goes behind the scene. See, देखो यहाँ planning चल रही है, ये अपना ले ले के फोटो परेशान हो गया, अभी इसका बस हो गया, ये अपना चश्मा ठीक कर सनसेट देखो यार कितना प्यारा, कोई उधर देख ही नहीं रहा, ये अपनी फोटो खींचने वाला क्लार्क कैंट देख लो ऐप देख लो कुड़ियों हम जा रहे हैं कैसीनो एंड बॉयज आर हियर बॉयज। क्या हो रहा है, क्या वहाँ जाके पता चलेगा मजा आ रहा है कि क्या हो रहा है। सही बात है वैसे, अगर जीते तो मजा आएगा अगर नहीं जीते तो फिर क्या ही है भाई। अगर जीत गए तो एक्सटेंड कर लेते हैं मेरा बात हो गया, मैंने कल की टिकट बुक किया गोवा की मैं गोवा जा। तो गाइस ट्रिप हो गई है खत्म, हम जा रहे हैं सब अपने अपने घर जा रहे हैं, मैं गोवा जा रहा हूँ बस कर यार जला मत पता है जा रहा था। और मैंने बोला था तुम्हें कि मैं दिखाऊंगा कैसीनो का पर उन्होंने हमें कैसीनो में शूट करने नहीं दिया तो फिर अलाउड नहीं था तो फिर हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बट उन्होंने जो वीडियोस बनाई हैं अगर वो आ गई तो मैं डालूंगा। अब गोवा दिखाएंगे तुम्हें, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था मुझे गोवा जाना और मैं गोवा पहुंच गया। देखो तो गोवा का एयरपोर्ट पूरा चेंज कर दिया इन्होंने, पहले कैसा होता था या तो मैं दूसरे एयरपोर्ट पे आया हूँ और मुझे समझ सा नहीं आ रहा क्योंकि ये वाला एयरपोर्ट मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा और ये बहुत बहुत अच्छा है और अच्छा लग रहा है। मैं आ गया हूँ गोवा जैसा कि मैंने बताया था और इन लोगों ने कुत्तों ने मुझे 2 घंटे ऑलमोस्ट वेट करवाया एयरपोर्ट पे, 2.25 घंटे क्योंकि ये लोग गलत एयरपोर्ट पे चले गए थे और फिर ये लोग जब वापस आ रहे थे तो इनको बहुत ट्रैफिक मिला। और अब हम फाइनली घर से रेडी वेडी होके अब हम आए कैसीनो डेल्टन रॉयल और हम यहाँ पे ट्राई करेंगे लक अपना, गैम्बल करेंगे हम गैम्बल और जुआरी भी हमें कैसीनो जाना बहुत पसंद है, हम लोग पहले ऐसे होते थे हम यहीं पे होटल बुक करते यहीं आते थे वहीं से वापस फ्लाइट लेके वापस चंडीगढ़ जुआरी। A few moments later. साला कैसीनो में ना मैं कभी जीता नहीं हूँ, मतलब हमेशा हार के ही निकला हूँ, क्या किया जाए यार। गाइस हम जा रहे हैं कहीं तो रोमियो लेन जा रहे हैं हम पार्टी करने और मैडम गाड़ी चला रही। और अगर आप लोग जाते हो हमेशा पार्टी करने बागा या फिर कैंडली वगैरह तो उसको अब ड्रॉप कर दीजिए, आप जाइए बागेटर। हम जा रहे हैं रोमियो लेन, इट्स गुड, लेट्स सी कैसा होता है।
कितना बुरा हूँ मैं व्लॉग बनाने में, बॉडी सही लग रही है। तो मैं अभी ये बोल रहा था पब्लिक कि ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है और ये हमारी पहाड़ी हो गई है। और कुछ नहीं मिला। तो हम करें चिल थोड़ा और पलक रेस्ट कर दी अपने रूम में। और मेजर तो हमने कुछ किया नहीं है, जो गोवा के सब करते हैं भाई, थोड़ी पहाड़ी और सोना। कैसीनो गए थे तो उन्होंने वहाँ पे बोला अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, श्रीलंका में भी यही था और यहाँ पे भी यही था। तो फिर मैं अंदर कुछ बना नहीं पाया, मैंने सोचा चुपके से कुछ कर लूँ, पर वो वहाँ पे अगर कोई हमारे साथ आके फ़ोटो खिंचवा रहा था तो उसमें भी उनको दिक्कत हो रही थी, उन्होंने हाथों हाथ डिलीट करवा दी। फिर अभी देखते हैं, अभी आज हम दो तीन जगह जाएंगे तो मैं वो रिकॉर्ड करता हूँ फिर भेजता हूँ। अब हम दो तीन पार्टियां अटेंड करके आ गए हैं घर, अब मतलब घर एज इन होटल, और अब हम जा रहे हैं कसीनो। लास्ट टाइम पलों पर मैं मिला के हारे हैं ऑलमोस्ट 20,000, और आज मैं खेलने वाला हूँ कुछ और, आज मैं खेलने वाला हूँ थोड़ा बड़ा। सो लेट्स सी क्या होता है, या तो अगली वीडियो आएगी बड़ी खुश की मेरी, या होएगा मैं बड़ा दुखी, तो वो मेरे को देखना क्या होता है। वैसे दुखी होने के जन ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि कसीनो में जीतना ना, आप फिर खुला पैसा लेके जाओ तभी हो पता है, अदरवाइज मुश्किल ही है। तो देखते हैं क्या होता है, अभी ये भी नहीं बोल सकता विश मी लक बिकॉज ऑब्वियसली ये व्लॉग तो बाद में ही आएगा। सो लेट्स जस्ट सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, सी यू। जब आ गए वापस, वापस हम डेल्टन जा रहे हैं, देखते हैं रॉयल जा रहे हैं क्या होता है इस बार। उम्मीद तो है थोड़ी बहुत, बट पता नहीं, यू नेवर नो, कैसीनो का मामला कैसा होता है। अभी मोटे फिर क्या, फिर क्या लगता है, कॉन्फिडेंस बस और क्या चाहिए। सो हमारा हो गया कैसीनो ख़त्म, तो कैसीनो और गोवा दोनों ख़त्म। हाँ, हम अब घर जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट है 5:30 बजे की, आराम से घर पर खाना खाएंगे। शक्ल देखो इसकी, ट्रिप पे आते हुए कैसी होती है और जाते हुए कैसी होती है। सो गाइस, बातचीत ऐसी है कि हो गया है ट्रिप पूरा। अब शुक्रिया ये ब्लॉग देखने के लिए, और सब्सक्राइब करो प्लीज़, मेरे को 1,00,000 तक जाना हो पाए तो। और ऑल इन ऑल ट्रिप बहुत अच्छा रहा, श्रीलंका भी और गोवा भी, फ़न किया, थ्रिल था, गैम्बल किया, पार्टियाँ करी, सब मज़ा आया। और तुम देख ही लोगे बाकी सब तो व्लॉग में। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगर मैं कुछ ढंग से बना पाए तो तुम्हें पता, मुझे शूट करना थोड़ा आसान ही है।